हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स ने कमेंट बॉक्स में लिख करके ये डिमांड किए कि 11th और 12th के भी कुछ टॉपिक पर वीडियो अपलोड किया जाए। आप सभी के डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्लान बनाया है कि उस टॉपिक का सीरीज स्टार्ट करो जिसमें स्टूडेंट लोगों को परेशानी होती है, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि 11th और 12th में एक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है उसको समझने में स्टूडेंट लोगों को परेशानी होती है, तो मैं उसी का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। मैं सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करूँगा, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो 11th क्लास में है। और यदि आपको बेस अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है तो फिर 12th क्लास का भी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले 11th क्लास में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आज उसको बताऊंगा, और उसके बाद फिर 12th का भी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का वीडियो अपलोड करूंगा। यदि आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज के सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेस को क्लिक करें। एमए क्लासेस को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में जानते हैं कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में दो परपेंडिकुलर लाइन होता है, और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन को एक को एक्स एक्सिस कहते हैं और दूसरे को वाई एक्सिस कहते हैं, और जहां पर इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। और किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना हो, प्लेन पर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, एंड द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स एंड वाई इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो यहाँ पर हम लोग दो एक्सिस लेते हैं, तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या करते हैं, वहाँ पर तीन एक्सिस लेते हैं। एक्चुअली ये जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट क्या बताता है, लोकेशन बताता है कि कोई भी पॉइंट प्लेन पर किस जगह पर स्थित है, तो उसकी स्थिति बताता है। ये अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट इसका 2 और 3 है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो 2 यूनिट होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 3 यूनिट डिस्टेंस होगा। तो अगर किसी का कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, मान लीजिए कोऑर्डिनेट है 4, 5, तो हम लोग उस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, तो एक्स एक्सिस पर हम लोग 4 यूनिट डिस्टेंस चलेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल 5 यूनिट डिस्टेंस पर चलेंगे, जहां पर पहुंचेंगे वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट 4, 5 होगा। तो ये इसका किसी भी पॉइंट का प्लेन पर जहाँ पर भी पॉइंट हो उसका लोकेशन बता देता है कि वो किस जगह पर स्थित है। अगर स्पेस में, ये प्लेन पर बताता है कि प्लेन पर जो पॉइंट है उसका लोकेशन, अगर स्पेस में भी कोई पॉइंट है, जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम के किसी भी पॉइंट में, मतलब वो पूरा एक स्पेस हो गया, और उस स्पेस में किसी भी पॉइंट को आप लीजिए और उसका कोऑर्डिनेट बताना है, तो उसका कोऑर्डिनेट बताने के लिए सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट से काम नहीं चलेगा, 3 कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। उसके लिए 3 एक्सिस चाहिए। तो 3 एक्सिस कैसे चाहिए, जैसे मान लीजिए आप ये देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से ये 3 परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस, और यहाँ पर कहीं पर भी एक स्पेस में पॉइंट ले लीजिए, तो उस पॉइंट का अगर आपको लोकेशन बताना है तो लोकेशन बताने के लिए या उसका कोऑर्डिनेट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा इसके बारे में समझिए कि कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर थ्री डायमेंशनल में 3 एक्सिस होता है, ये इस तरीके से तीनों जो है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। फ्रेंड्स, आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पर हम लोग 3 परपेंडिकुलर लाइन लिए हुए हैं, एक OX और दूसरा OY और तीसरा हम लोग लिए हुए हैं OZ। तो इसको कहेंगे एक्स एक्सिस, इसको कहेंगे वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस, और ये ओरिजिन हो गया। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 3 प्लेन यहाँ पर बन रहा है। एक 3 प्लेन में से सबसे पहला प्लेन जो है ये नीचे के बारे में आप सोचिए कि ये जो नीचे जो है वो किस एक्सिस से मिलकर के बना हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर के बना हुआ है। तो इस प्लेन को हम लोग कहते हैं एक्स वाई प्लेन। ये जो 3 प्लेन में से ये जो प्लेन है इसको एक्स वाई प्लेन कहेंगे। तो एक्स वाई प्लेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर के बना हुआ है। दूसरा प्लेन आप ये पीछे देखिए, ये जो पीछे बन रहा है वो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलकर के बना हुआ है। तो इस प्लेन को हम लोग कहते हैं एक्स जेड प्लेन।
यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, और तीसरा प्लेन ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो तीसरा प्लेन, ये तीसरा दीवार टाइप पर बन रहा है, तो ये जो है वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलकर के बना हुआ है, तो इस प्लेन को हम लोग कहेंगे वाई जेड प्लेन। तो तीन प्लेन हो गया, तीन कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, यहाँ पर एक हो गया एक्स वाई प्लेन, दूसरा वाई जेड प्लेन और तीसरा एक्स जेड प्लेन। अब यहाँ पर आप समझिए कि ये एक स्पेस हो गया, स्पेस में कहीं पर भी आप एक पॉइंट ले सकते हैं, कहीं पर भी एक स्पेस जो है उसमें पॉइंट ले सकते हैं, प्लेन पर लेना ज़रूरी नहीं है, आप किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पर नहीं लेना है, आपको स्पेस में कहीं पर भी प्लेन पॉइंट लेना है, आप प्लेन पर भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्लेन पर ही लिया जाए, स्पेस में कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए। जैसे सपोज करते हैं हम लोग एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, और इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये पॉइंट लिए हैं, इस पॉइंट को हम लोग P लिख रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए इस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो एक्स वाई प्लेन पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके का लाइन आएगा, इस तरीके का परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये जो लाइन यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, अब उस परपेंडिकुलर से हम लोग एक्स एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और ये वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एम मान रहे हैं, और एम से फिर हम लोग यहाँ पर एन, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग एल सपोज कर रहे हैं। जरा आप फिगर से ध्यान से समझिएगा कि ये कौन सा फिगर है। यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये जो स्पेस में पॉइंट लिए हैं, किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पर नहीं है, बल्कि ये स्पेस में जो तीन प्लेन से एक स्पेस बन रहा है, यहाँ पर इस स्पेस में एक पॉइंट है, और यहाँ से एक्स वाई प्लेन पर जो आ रहा है, एक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर के जो प्लेन बना हुआ है नीचे, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, और जहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, जहाँ पर एक्स वाई प्लेन के पर मिलता है ये पॉइंट, ये लाइन, वहाँ से फिर हम लोग एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, और फिर हम लोग वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो जरा समझिएगा कि अब एक्स कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, ये जो डिस्टेंस है, यानी कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये ध्यान दीजिएगा ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, आप फिगर में देख पा रहे होंगे, इमेजिन कर पा रहे होंगे, क्योंकि थ्री डायमेंशनल फिगर में आपको प्लेन पर उसको बना नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये 90 डिग्री है, और ये भी क्या है, 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये जो है वो इसके साथ भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। तो आप जरा समझिए कि ये जो परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किए हैं, और यहाँ से फिर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं एक्स, ओ एन जो डिस्टेंस है उसको एक्स मान लेते हैं, और ओ एल को वाई मान लेते हैं, और फिर हम लोग पी एम जो है उसको जेड मान लेते हैं। तो ये तीनों को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट कहलाएगा, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, कौन सा डिस्टेंस बता रहा है, जब हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं एक्स वाई प्लेन पर, और इससे हम लोग एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। अब जरा समझिए कि जेड कोऑर्डिनेट है क्या, जेड कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस है, कोई भी स्पेस में पॉइंट लेते हैं और उसका एक्स वाई प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, एक्स वाई प्लेन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, उस परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आएगा, यही डिस्टेंस पी एम जो है वो जेड माने हुए हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो जेड है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग इस पी पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो आप यहाँ पर विशेष रूप से समझिएगा कि किस प्लेन से डिस्टेंस ले रहे हैं, एक्स वाई प्लेन से, एक्स वाई प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है उसी को जेड कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो एक्स वाई प्लेन में जेड नहीं है, आप ऐसा समझिए, इसको ऐसे याद रखिएगा कि जेड कोऑर्डिनेट जो होता है वो जेड को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा एक्स और वाई उस प्लेन से डिस्टेंस लेना है, जेड कोऑर्डिनेट के लिए एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस लेना है। तो अब वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, तो वाई कोऑर्डिनेट अगर इस पॉइंट पी के बारे में बात करते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, वाई को आप छोड़ दीजिए, बचा एक्स जेड, तो एक्स जेड प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा,
जैसे आप समझिए यहाँ पर हम लोग इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर एक्स जेड प्लेन पर आप कुछ इमेजिन कीजिए, ये दिख पा रहा होगा कि ये जो है स्पेस में पॉइंट था और वहाँ से एक्स जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे, यानी ये जो डिस्टेंस है ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप एक्स को छोड़ दीजिए तो बचा क्या वाई और जेड बचा, तो वाई जेड प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग कहेंगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा आप समझने की कोशिश कीजिए, इमेजिन कीजिए कुछ इस तरीके का ही परपेंडिकुलर आएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर हुआ वाई जेड प्लेन पर हुआ इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। तो आप जरा समझिए कि अभी दो तरीका मैं बताया हूँ कोऑर्डिनेट के लिए, कि पॉइंट जो हम लोग स्पेस पर ले रहे हैं वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन पर, और एक्स वाई प्लेन पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है वहाँ से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, वहाँ से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ओ एन जो डिस्टेंस आ रहा है उसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, ओ एल जो है उसको हम लोग कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, और जो ये पी एम है उसको हम लोग जेड कोऑर्डिनेट कहते हैं। दूसरा तरीका मैं बात कर रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई जेड प्लेन जो आ रहा है उस वाई जेड प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए नाम दे दीजिए, तो ये जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, वाई जेड प्लेन, ये जो वाई जेड प्लेन आ रहा है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स जेड प्लेन, पीछे जो प्लेन आ रहा था वो एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन से जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। और तीसरा जो है वो जेड कोऑर्डिनेट, एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड जेड कोऑर्डिनेट। अब जरा समझिएगा यहाँ पर आगे, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि x कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम yz जेड प्लेन। एक्स कोऑर्डिनेट जो है p पॉइंट का ये yz जेड प्लेन है, yz जेड प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम xz जेड प्लेन, y कोऑर्डिनेट जो है वो xz जेड प्लेन जो आ रहा है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। एंड z कोऑर्डिनेट इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम xy प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसको हम लोग z कोऑर्डिनेट कहेंगे। अब जरा आगे दिया समझिएगा यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है उसका z कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस हुआ, मतलब xy प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड जेड कोऑर्डिनेट। अगर पॉइंट को हम थोड़ा सा और नीचे ले आएँ, यहाँ पर ले आएँ तो जेड कोऑर्डिनेट कम हो जाएगा, पॉइंट को और नीचे ले आएँ तो जेड कोऑर्डिनेट और कम होगा, पॉइंट और नीचे ले आएँ तो जेड कोऑर्डिनेट और कम हो जाएगा, और जब पॉइंट बिल्कुल यहाँ आ जाएगा तो उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, यानी उस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा जो पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर लाई करता है। तो एक्स वाई प्लेन पर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि जेड कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, तो हम लोग कह सकते हैं कि जेड कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन इक्वल टू जीरो। एक्स वाई प्लेन पर अगर कोई भी पॉइंट है, इस प्लेन पर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। बिल्कुल वैसे ही आप जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई प्लेन पर जो पॉइंट है उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो है, तो अगर वाई जेड प्लेन पर जो पॉइंट है उसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा, यहाँ पर आप समझिए एक्स वाई है तो एक्स वाई को छोड़ करके जो तीसरा बच रहा है जेड कोऑर्डिनेट जीरो है, अगर वाई जेड प्लेन पर है तो वाई और जेड को छोड़ देंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग बात करें एक्स जेड प्लेन पर, तो एक्स जेड प्लेन पर जो पॉइंट है उसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो एक्स और जेड को छोड़ करके वाई बच रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन इक्वल टू जीरो। अब फिगर से समझिए कि अगर वाई जेड प्लेन पॉइंट ले रहे हैं, वाई जेड ये है, वाई जेड प्लेन ये जो है, तो इस प्लेन पर अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे इसी पॉइंट को ले लीजिए, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर पॉइंट है तो ये जो डिस्टेंस है वो एक्स कोऑर्डिनेट है। अगर पॉइंट थोड़ा और पीछे आ जाए, इधर आ जाए, तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, और पॉइंट बिल्कुल यहाँ आ जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा।
तो वाई जेड प्लेन पर जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, उसी तरीके से एक्स जेड प्लेन पर जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। अभी यहाँ पर पॉइंट है तो ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट, अगर पॉइंट यहीं आ जाए तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया, इसको याद रखिएगा। और याद रखना आसान है कि एक्स वाई प्लेन पर जो पॉइंट होगा उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स वाई को छोड़ करके, वाई जेड प्लेन पर जो होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, और एक्स जेड प्लेन पर जो पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो। अब जरा देखिए, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस दो कोऑर्डिनेट प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। कौन सा दो कोऑर्डिनेट का? एक एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन जो है, और एक दूसरा एक्स जेड प्लेन, ये वाला प्लेन। ये दोनों प्लेन जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वही एक्स एक्सिस है। आप यहां पर देखिए इस फिगर को जरा समझिए कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये दो प्लेन, एक्स एक्स वाई प्लेन और दूसरा एक्स जेड प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और अगर इस पॉइंट पर, इस एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, कहीं पर भी आप ले लीजिए पॉइंट, तो वो जो पॉइंट होगा वो दोनों प्लेन पर होगा। कौन कौन सा दोनों प्लेन पर होगा? ये इस प्लेन पर भी पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन पर भी आ रहा है, और ये जो पॉइंट है वो एक्स जेड प्लेन पर भी आ रहा है, दोनों प्लेन पर आ रहा है। चूँकि एक्स वाई प्लेन पर ये पॉइंट है, इसीलिए इस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा? मैं अभी बता चुका हूँ कि अगर एक्स वाई प्लेन पर कोई भी पॉइंट होता है एक्स वाई प्लेन पर, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट जो होता है वो जीरो होता है। तो चूँकि एक्स वाई प्लेन पर जो पॉइंट होता है उसका जेड कोऑर्डिनेट होता है जीरो, यानी कि इस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। और ये एक्स जेड प्लेन पर भी पॉइंट है, तो एक्स जेड प्लेन पर जो पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो हो गया। तो इसका दो कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, एक वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा। यानी अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो उसका दो कोऑर्डिनेट वाई और जेड दोनों जीरो होगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू आएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट का कौन सा वैल्यू होगा? ये जो डिस्टेंस आएगा वही एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा। जैसे आप यहाँ पर समझिए, मान लीजिए इस पॉइंट एन की बात करें, तो इस एन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, आप देख रहे हैं ओ एन जो है वो एक्स है। तो ये जो डिस्टेंस है वो एक्स है, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स होगा। क्यों एक्स होगा? एक्स कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं? मैं अभी बताया कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन ये वाला है, इस वाई जेड प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर है, तो मैं अभी बता रहा था कि एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट दोनों जीरो होता है। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो हो जाएगा। यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो होगा। यानी कि एक्स एक्सिस का जो भी पॉइंट है उसका एक कोऑर्डिनेट हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो। इसी तरीके से वाई पॉइंट पर, सॉरी वाई एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट है, तो वाई एक्सिस के पॉइंट को हम लोग उस वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को कैसे लिख सकते हैं? वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ पर एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो लिखे, मतलब एक्स एक्सिस पर है तो वाई और जेड जीरो हुआ, तो वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स और जेड जीरो हो जाएगा। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट रहेगा कोई ना कोई, और जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है आप देख रहे हैं ओएल जो है वो वाई है, तो ये जो डिस्टेंस है वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा और इसका एक्स और जेड जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट का, ये जेड एक्सिस पर पॉइंट है, तो जेड एक्सिस के किसी भी पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों जीरो होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो हो जाएगा, और जेड कोऑर्डिनेट यही वाला डिस्टेंस होगा। क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट कौन सा डिस्टेंस होता है? एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड जेड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से आप देखिए, एक्स वाई प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये डिस्टेंस है कितना? ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, तो ये चूंकि जेड है तो ये भी जेड होगा, तो जेड कोऑर्डिनेट तो जेड होगा, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। मैं अभी बताया था कि एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो उसका वाई और जेड जीरो होता है, वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स और जेड जीरो होगा, और जेड एक्सिस पर है तो उसका कौन सा जीरो होगा? एक्स और वाई जीरो होगा, और जेड कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अगर एक्स एक्सिस पर भी कोई भी पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट
एक्स होगा, वाई और जेड जीरो हो जाएगा। वाई एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका एक्स और जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, और जेड एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो हो जाएगा। अब ओरिजिन आप समझिए कि ओरिजिन कहाँ पर होता है। ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन पर है, ये नीचे एक्स वाई प्लेन पर भी है, इस एक्स जेड प्लेन पर भी है, इस वाई जेड प्लेन पर भी है, तीनों पर है। तो चूंकि ये तीनों प्लेन पर है इसीलिए इस तीनों का कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों जीरो हो जाएगा। तो ये हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम, थ्री डायमेंशनल प्लेन में हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेट के बारे में हुआ। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक के आधार पर मैं कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और ये जो सीरीज मैं स्टार्ट किया हूँ उसको आप कंटिन्यू देखिएगा, ताकि ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।